नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। तो यूपी के फतेहपुर में 4 मई को निकाय चुनाव का मतदान होना है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों के जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के तहत आज बिंदकी कस्बे में बीजेपी नगर पालिका प्रत्याशी राधा साहू के पक्ष में प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूरे कस्बे में रोड शो करते हुए प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा है। वहीं डिप्टी सीएम ने रोड शो के दौरान योगी सरकार की कानून व्यवस्था के बारे में बताते हुए कहा कि सीएम योगी की सरकार ने अपराधियों को प्रदेश से बाहर करने का काम किया है। आम जनता ने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके भाग लिया है। सभी दुकानदारों में उत्साह का माहौल है। हमने देखा अल्पसंख्यक समाज के भाई बहन जाति धर्म से ऊपर उठ करके राधा साहू जी के समर्थन में अपने घरों से चिलचिलाती धूप में निकल करके रोड शो में शामिल हुए हैं। और इसके साथ ही पूरे फतेहपुर जनपद में जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, सभासद के प्रत्याशी हैं, सभी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। पूरे फतेहपुर जनपद के अपने कार्यकर्ताओं को, अध्यक्ष जी को, माननीय विधायकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वहीं अमरोहा जनपद के लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने आज नगर पंचायत सैद नगली के ग्राम मेहंदीपुर में भाजपा प्रत्याशी अनुकृति चौधरी के पक्ष में जनसंपर्क किया और चुनावी सभा को संबोधित भी किया है। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वही इस मौके पर पूर्व सांसद के साथ अभिनव कौशिक, रामचंद्र गुर्जर, जयपाल मास्टर और विजय सिंह पवार और अनिल गुर्जर, अमित गुर्जर, अमित भाटी, राज्यपाल सिंह के साथ, मोहित के साथ सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। कन्नौज के छिबरामऊ से निर्दलीय प्रत्याशी और पूर्व चेयरमैन राजीव दुबे अपना तूफानी जनसंपर्क और डोर टू डोर कैंपेन लगातार कर रहे हैं, जिसको लेकर आज राजीव दुबे ने मोहल्ला इब्राहिमगंज ताजपुर रोड लकड़ी मंडी में जनसंपर्क किया। आइए आपको सुनाते हैं इस दौरान राजीव दुबे ने क्या कुछ कहा है। पश्चिमी बाईपास से जो दक्षिण साइड था वो कल किया था, आज उत्तरी साइड में हमने शुरुआत की थी और जिसमें कि इब्राहिमगंज पड़ाव और सब्जी मंडी तक हमने उसको आज लोगों से वोट मांगे, लोगों से अपना समर्थन मांगा और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समर्थन मिला है और लोगों को इस बात का एहसास है कि पिछली बार आपने बहुत कुछ काम कराए हैं और कोशिश की है कि नगर में एक नया स्वरूप देने की। तो सभी ने बहुत तारीफ की है और सब लोग इस बात के लिए बहुत इच्छुक हैं कि किसी तरीके से जल्दी से तारीख आए। खबर औरैया से है, जहां एरवा कटरा विकास खंड के नगला बैस में हमारे संवाददाता अमित शुक्ला पहुंचे, जहां सरकारी योजनाओं की हकीकत जानने के लिए उन्होंने लोगों से बातचीत की और बातचीत के दौरान एरवा कटरा विकास खंड के अधिकारियों की पोल तक खुल गई। बताया जा रहा है कि नगला बैस में बने पंचायत भवन और सरकार के द्वारा किया गया नियुक्त मिनी सचिवालय, जिसमें 7 महीने में केवल 3 बार पहुंची है। पंचायत सहायक पंचायत में मिनी सचिवालय इसलिए नियुक्त किया गया कि जो भी पीड़ित लाभार्थी ब्लॉक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अपनी समस्या ग्राम पंचायत पर ही अवगत करा दे। वही ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुनील कुमार ने बताया कि काफी बार कहा गया लेकिन वो ड्यूटी करने तक नहीं आती हैं। पहुंचे हैं एरवा कटरा विकास खंड के नंगला बैस गांव में, जहां एक पंचायत घर आपके सामने बना हुआ है लेकिन यहां अभी लगभग टाइम हुआ है 3:30, लेकिन ताला अभी आप देख सकते हो ताला लगा हुआ है। हमारे पास यहां काफ़ी बड़ी संख्या में जनता भी एकत्रित है, आइए जानते हैं जनता से कि ये क्यों नहीं खोला जाता। और जबकि सरकार की योजना मिनी सचिवालय करके एक योजना है जिसमें जो बुजुर्ग नौजवान सभी के यहाँ पे जो ब्लॉक में भटकना ना पड़े, आपको यहीं पे सुविधा मिलेगी, लेकिन यहाँ कभी जो जनता बता रही है कि यहाँ पे कभी नहीं खोला जाता। आइए जनता से जानते हैं क्या बात है। भैया क्या नाम है आपका? रतिराम। रतिराम कहाँ के निवासी हो? नंगला बैस। ये क्या है आपके यहाँ जो अभी ताला लगा हुआ है? ये खुलता ही नहीं है। क्या है, क्या इसमें? पंचायत घर। पंचायत घर है। और यहाँ जो मिनी सचिवालय है, क्या कोई बैठता है? किसकी नियुक्ति है? कोई नहीं बैठता इधर। किसकी नियुक्ति है यहाँ पे? अरे बेल जाली की है कोई लड़की। अभी जब से नियुक्ति हुई अभी तक आई कि नहीं आई? एक बार आई थी परसों, बस फिर नहीं आई। नहीं, और उससे पहले भी? मैंने देखा ही नहीं उन लोगों को। अच्छे जानते आप भी बताओ, आप लोगों को तो बुझ लो, फिर हम बताएं। चलो
प्रधान जी, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार प्रधान जी, ये बताएं यहाँ पे जो आपके द्वारा जो योजना यहाँ पे सरकार के द्वारा आई है, जैसे यहाँ मिनी सचिवालय है, तो यहाँ पे अभी पता चलता है कि कोई जो मिनी सचिवालय नियुक्ति है वो कभी नहीं आती, क्या है ऐसा? आने के लिए साहब उनको बोला है, हाँ। वो अभी बाहर स्मार्ट कार्ड बना रहे थे, तो स्मार्ट कार्ड अभी परसों अभी आई थी। नहीं, स्मार्ट कार्ड के लिए अभी आपने एक से बात की, तो उनके भाई स्मार्ट कार्ड गांव में बना रहे हैं। उनके भाई ने बनाया, तो नियुक्ति उनकी है, तो इनके भाई कैसे बना रहे? तो उनको बोला है, आप लोग जो कहेंगे वो बैठेंगे, हम तो मैंने तो उनको बोला है आप बैठिए। तो कितने पहले से यहाँ नियुक्ति है? मैंने एक दो बार उनको बोल दिया है। कब से नियुक्ति हुई है लगभग इनकी? हो गए 6-7 महीने। सात महीने में दो बार आई है? दो तीन बार आई। तीन बार। भैया क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर कहाँ के निवासी हो? नंगला बैस विकासखंड। अच्छा, ये जो यहाँ मिनी सचिवालय बना हुआ है, क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या काफी है, ये खुलता नहीं है, कोई बैठता नहीं है, कोई नहीं बैठता। नियुक्ति किसकी है यहाँ पे? ये सालनी है, कोई बेल जाली की। सालनी है, तो अभी तक आती नहीं क्या? अभी तक नहीं आई, परसों आई थी। तो आपने किसी से कहा अभी तक इस बारे में? नहीं, हमने नहीं कहा किसी से। तो यहाँ जैसे मिनी सचिवालय से जैसे यहाँ पे जो योजनाएं आती वो आपको गाँव कैसे पता चलता है? अब पता ही नहीं चलता, कोई बैठता नहीं, अगर बैठे तो पता चले यार, जानकारी हो तो कोई काम होता है तो हर बार जाना पड़ता है, अगर यहाँ खोले तो सब यही काम हो जाए, तो आरवाने लगाने पड़ेगा। खोलों का तो 6 महीने में तैयारी कर पाई है इसकी। क्या नाम भैया आपका? आदित्य। यहाँ जो ये मिनी सचिवालय और पंचायत घर है, ये कब से बंद रहता? ये तो मैंने देखा ही नहीं, खुलता ही नहीं है। खुलती नहीं। यहाँ मिनी सचिवालय में सचिव कौन है? जो मिनी सचिव बनाए गए हैं कौन है? बेल जाली की लड़की है। तो क्या यहाँ वो कभी आई है, क्या आपने देखा? नहीं नहीं है। तो अभी भी ताला बंद है, तो किसी ने अभी तक आपने किसी से कहा नहीं इस बारे में? देखा यहाँ की जनता कितनी परेशान है, जो सभी लोगों ने बताया, प्रधान खुद अपने मौखिक बता रहे हैं कि यहाँ पे वो नहीं आती हैं। और एक चीज सबसे बढ़कर ये चीज आई है कि जो सचिव है वो तो बाहर रह रही हैं, लेकिन उनका भाई सारा काम कर रहा है। तो ये देखने वाली बात यह है कि इस पर क्या कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है। कैमरामैन के साथ अमित शुक्ला, प्राइम टीवी औरैया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, ना तो कार्यालय खुलता है, क्या क्षेत्र के लोगों ने उच्च अधिकारियों से इस मामले पर शिकायत की है पहले? जी मैडम, आपको बताना चाहूंगा कि काफी बार लोगों की शिकायत लेकर, लोग अपनी शिकायत लेकर वहां पर पहुंच चुके हैं अरवा कटरा ब्लॉक सभागार में, लेकिन अभी तक कोई उनकी उच्च अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं। ठीक है अमित, जब उनकी सुनवाई नहीं होती और जब आपने लोगों से बातचीत की, तो उनको इस दौरान क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है? कि एक अभी सरकार द्वारा जो नीति आई है उसमें पंचायत भवन मिला है, उसमें जो भी जैसे आपको विधवा पेंशन है और गरीब कल्याणकारी योजना है और जितनी भी योजनाएं हैं, काफी योजनाएं ब्लॉक स्तर की, वो इस वजह से बनाई गई है कि लोग बाहर ना जाएं और अपने ग्राम पंचायत में ही कार्य निपटाएं। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ जब हम पहुंचे वहाँ पे तो ताला लगा हुआ था, समय करीब 3 बजे का था, तो लोगों से जब बात की तो ताला भी नहीं खोला गया उसका। बिल्कुल, धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ते हुए, दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो वही राजधानी लखनऊ में मौसम ने करवट बदल ली है और राजधानी के कई इलाकों में झमाझम लगातार बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से निजात मिल गई है। बताया जा रहा है कि बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया, ऐसे में लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली और मौसम विभाग के मुताबिक आसमान में बादल अभी भी छाए रह सकते हैं। तो राजधानी लखनऊ में मौसम का मिजाज बदल गया है, इस दौरान तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। तो वही दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में भी झमाझम बारिश से लोगों को राहत मिली है, लेकिन लोगों को जलभराव की समस्या और ट्रैफिक की समस्या से भी अब जूझना पड़ रहा है। वही तापमान में भी कमी आई है, साथ ही गाजियाबाद में कल जहां 40 डिग्री सेल्सियस तापमान था, वही बारिश होने के चलते तापमान में गिरावट आई है और मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिन बारिश के साथ आंधी चलने का अनुमान जताया गया है।
तो गाजियाबाद में भी तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लेकिन अब लोगों को ट्रैफिक और जल भराव की समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है, क्योंकि तेज बारिश के साथ ही जगह जगह जल भराव की स्थिति भी पैदा हो गई है, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। वही अगर मौसम विभाग के मुताबिक 4 मई तक मौसम ऐसे ही रहेगा, तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि और मूसलाधार बारिश की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रवीण हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण, गाजियाबाद में महज थोड़ी सी देर की बारिश से ही गाजियाबाद जो है वो पूरी तरह से पानी से भर गया और जगह जगह जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली। जी बिल्कुल, देखिए मुस्कान आपको बता दूं, गाजियाबाद में लगातार मौसम ने करवट ली है। हालांकि आप पिछले एक हफ्ते से लगातार मौसम बादल छाए हुए थे पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर में, कहीं ना कहीं जो तेज बारिश हुई है, हालांकि कुछ घंटों की बारिश में इस तरह का माहौल बन गया है कि रोड पर जाम लगना चालू हो गया है और साथ ही साथ जो जल भराव की स्थिति है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। ठीक है प्रवीण, जल भराव की स्थिति हमने देखी, लेकिन लगातार जो नगर निगम द्वारा ये दावा किया जाता है कि उस क्षेत्र का विकास हो रहा है, जल भराव नहीं होगा और आगामी कुछ दिनों में चुनाव भी है। जी बिल्कुल मुस्कान, देखिए ये सबसे बड़ा सवाल है कि नगर निगम की पोल खोलते ही जरा सी बारिश में क्योंकि सवाल ये निशान खड़े कर देता है। हालांकि जिस तरह से नाले को लेकर सफाई की बात की जाती है कि नाले साफ कर दिए गए हैं, हालांकि चुनाव भी नजदीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो प्रत्याशी हैं वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं किस तरह से जो पानी की स्थिति है यहाँ पर, जो पानी जल भरा होता है उसकी निकासी होगी। लेकिन जो पूर्व में रहे पार्षद हो या नगर पालिका चेयरमैन हो, कोई भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जरा सी बारिश में सबकी पोल खोलते हुए नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी के भी कई पार्षद और कई यहाँ पर चेयरमैन भी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस बार जो है जनता ने रुख बना लिया है कि बारिश से जो इस पर जो बेमौसम बारिश हुई है, ये कहीं ना कहीं अब जो जितने भी प्रत्याशी हैं जो इस समय लड़ रहे हैं उनकी पोल खोलता हुआ भी नजर आ रहा है। हालांकि जनता जो है अब आने वाले 11 तारीख को, बड़ा सवाल ये है कि अभी तो ये बेमौसम बारिश थी जिसकी वजह से लोग इतना परेशान हुए, जल भराव की स्थिति हुई, और आगामी कुछ दिनों में जब बारिश का मौसम आएगा क्या तब भी वहाँ की स्थिति ऐसे ही देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए मुस्कान क्या होता है कि जब बारिश का जब ये सीजन आता है, यानी कहते थे मानसून जब आता है, मानसून के समय में भी इससे बदतर मतलब स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरा सी बारिश जो बेमौसम बारिश है इससे साफ तौर पर नगर निगम से लेकर जो जितने यहाँ पर सभासद या नगर पालिका चेयरमैन रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं पोल खोलता है, जरा सी बारिश देख सकते हैं। लोग काफी परेशान हुए हैं, अपने ऑफिस के लिए निकलना उनको काफी समस्या का सामना करना पड़ा, जाम काफी भारी मात्रा में देखने को मिला, इस तरह की स्थिति बनी हुई है गाजियाबाद में। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद प्रवीण हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज 1 मई को दोपहर बाद अचानक से आसमान में काले बादल छा गए और झमाझम तेज बारिश तक शुरू हो गई। बरसात इतनी भयंकर रूप से बरसी कि शहर के तमाम कॉलोनी सेक्टर एरिया और औद्योगिक क्षेत्र देखते ही देखते जलमग्न हो गए। निचले इलाके में बने घरों में पानी घुस गया। शहर की तमाम सड़कों पर वाटर लॉगिंग के चलते जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और भारी संख्या में वाहन पानी में फंस कर बंद भी होते हुए दिखाई दिए हैं। ये नंदे पैर जूते भी भीजे, आगे कपड़े गत्ते सारे भीजे पड़े हैं, अब जैसे गाड़ी बंद है। बताइए क्या कहेंगे, हल्की सी बरसात से लगातार ये सब ये प्रशासन की कमी है, ना तो सफाई है ना कुछ है, अब यहाँ गड्ढे हैं, नालियां हैं, देखो सारी गाड़ियां देखो उधर देखो आप तीन पड़ी हैं, बताओ क्या पे आ जाए। हाँ मुझे समय ज्यादा है, बाकी और भी जगह हो जाए। जी बरसात अचानक हुई है लेकिन पानी की निकासी की वजह फरीदाबाद में बहुत पुरानी चल रही है। पानी की निकासी बरसात बता के नहीं होगी कि मैंने कब होना है कब नहीं होना जी। पानी की निकासी ऐसी होनी चाहिए कि बरसात जब मर्जी हो जाए पानी निकल जाए। पानी निकलने की वजह से जितने भी सड़क पे गड्ढे हैं उन गड्ढों में पानी भर जाता है और बाइक से लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं और कई प्रकार की परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। और पानी ना निकलने की वजह से जितने भी घरों में फैक्ट्रियों में वर्कशॉपों में पानी घुस जाता है और बड़ा लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान हो जाता है लोगों के। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया के तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।